नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस लॉकडाउन को लेके, जो कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हुआ उसके साइकोलॉजिकल क्या क्या पैरामीटर थे। इसको प्लीज मेरे वीडियो को, आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट गेज दिस वीडियो एज ए पॉलिटिकल एंगल। आई एम नॉट ट्राइंग टू सपोर्ट नॉट टू एनी पार्टी, नथिंग। इट इज प्योर साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लॉकडाउन एंड वाई द लॉकडाउन हैपन एंड वाई we follow that lockdown, followed that lockdown, and now why we open it? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे questions हैं लोगों के दिमाग में कि जब सिर्फ देश में 1,000 लोग थे तब lockdown हो गया और आज देश में 2,00,000 लोग से ज्यादा हैं, सब कुछ open हो गया। ठीक है, which should not happen। 2,00,000 में तब lockdown होना चाहिए था, पर ये psychological बहुत बड़ा angle है जिसको आज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज हमने 5 पैरामीटर चूज किए, 5 पॉइंट्स, और उन 5 पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर, जो है जब 1,000 लोग थे तब ये बोला गया स्टे एट होम, जनता कर्फ्यू। सो मेनी थिंग्स कम्स इन दैट, क्यों हुआ ऐसा? देखिए दो चीजें हैं। वन, हमारे को सपोर्ट कौन कर रहा है इस वक्त, जिसे हम वॉरियर बोल रहे हैं। हमारे को दो तीन तो बिल्कुल डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा पैरामेडिकल, एंड तीसरा अवर पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बेचारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और बिना किसी फियर के, हेजिटेशन के काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि ये क्यों करना पड़ा सडनली लॉकडाउन। तो पहला जो पॉइंट है वो इसलिए है कि क्या डॉक्टर्स को भगवान तो नहीं है ना? वी ऑल आर क्या है, हम सब इंसान है, ठीक है। कोई भी डिजीज नहीं आती है तो हमें भी उस पर काम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कोरोना कैसे इंपैक्ट करेगा। हम तो डाटा ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों से डाटा ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और उसी बात का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसी को लेके हमने ये लॉकडाउन किया। जरूर किसी ने साइकोलॉजिकली इस पे काम किया होगा। देखिए जो डॉक्टर है वो क्या करता है आज की डेट में, वो कैसे इलाज कर रहा है? सबसे पहले उसको बताया गया होगा कि आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपको कोरोना ना हो जाए तो आपको ये पीपी किट पहननी है, दिस इज योर सेफ्टी डिवाइस। अब आप समझिए कि पीपी किट पहनना क्या आसान है? जो लोग 8-8 घंटे 8-8 आवर्स काम कर रहे हैं पीपी किट में, वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, क्या आपको लगता नहीं कि मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है? तो उनको मोटिवेशन दिया गया होगा, ये सब बैकअप में काम हुए होंगे, उनको पूरा एनालाइज किया करके बताया गया होगा, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया होगा कि आपको नहीं होगा, ये शायद आपको घर बैठे नहीं पता लगेगा, बट ऐसा हुआ है। तो पहला रीजन यही है कि हम साइकोलॉजिकली उसको कैसे देख रहे हैं, समझ रहे? तो पहला काम कि जो हमारे वॉरियर हैं, आज आपको भी पता लगे कि डॉक्टर ये हमारा इलाज नहीं करना चाह रहे तो हम लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स को भी मेंटली स्ट्रांग करने के लिए वी हैव डन दिस, ठीक है, और इसी वजह से ये काम हुआ, क्लियर? सो नाउ वी हैव टू चेक कि पहला क्वेश्चन क्या है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना जो हमारी बैकअप है। वैसे ही पुलिस फोर्स को बैकअप से स्ट्रॉन्ग किया गया होगा कि आपको कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, हाथ धोने हैं। पैरामेडिकल स्टाफ को बोला गया होगा आपने पीपी किट यूज करनी है, क्या डिस्टेंस होना चाहिए। इसको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए, तो दैट लॉकडाउन वॉज फॉर दैट। ये 5 पॉइंट हैं जिससे आप मान जाएंगे कि साइकोलॉजिकल जरूर एनालिसिस किया होगा किसी भी बड़े साइकोलॉजिस्ट ने वहां बैठ के, ये पूरे प्लानिंग की होगी जिसने। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल। अब हम हैप्सुल तो थे नहीं कोरोना, कोई भी डिजीज आ जाती है तो क्या हम उसके हैप्सुल होते हैं? नहीं, हमें ये लेकिन पता होता है कि इसकी दवाई है, हम ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। आज हमारे इसकी दवाई नहीं थी तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था,
और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि जब वो लॉकडाउन कर दिया गया फिर वो धीरे धीरे खोला गया, हमारे को डिफरेंट नंबर्स दिखने शुरू हो गए, हमारे को पता लगने लगा कि नहीं ये बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है पर ये बीमारी ज्यादा खतरनाक नहीं है, जो रेशियो है डाइंग रेशियो वो कम है, और वो लोग जो बिल्कुल ठीक हैं 40 और 50 तक हैं दे उनपे ज्यादा असर करती भी नहीं, तो इस चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। आप अज्यूम कीजिए सडनली आपको किसी आदमी ने बोल दिया कि भाई एक बीमारी आ गई है इसका कोई इलाज नहीं है, अब आप जानो जब तक कि उसका इलाज नहीं होता तो साइकोलॉजिकली आप इतने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल में होंगे कि कोरोना से लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे और कितने मरेंगे मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि वो एंजाइटी से आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि हार्ट अटैक से ही बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, काम हो गए, बीटा वेव्स में आपका माइंड चला गया, और यूजली बीटा वेव्स में जब माइंड जाता है, आप मेरा ब्रेन वेव का दूसरा वीडियो देख सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स, तो हम कामली रहते हैं और कभी कभी हम जब डेल्टा को टच करते हैं तो हम चीजों को जल्दी से अडॉप्ट करने लगते हैं, तो हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर द आवर सेल्फ, हमारे बेनिफिट के लिए। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा, फोबिया कन्वर्टेड इंटू फियर, हमें फोबिया हो गया, अरे बाप रे ये क्या है तो मार देगा बिल्कुल, है ना, सब लोग बात करते होंगे घर पे, लेकिन आज कितने लोग बात कर रहे हैं, देखिए आप ईमानदारी से बताइए, पहले आप 20-20 घंटे 12 घंटे 15 घंटे कुछ भी टाइम आप टीवी की न्यूज के आगे से हटते नहीं, अरे वहां के नंबर बढ़ गए, अरे ये क्या हो गया, आज बताइए लगभग 60 दिन हो गए लॉकडाउन और लॉकडाउन खुलने के पूरे प्रोसेस के अंदर, इन 60 डेज में अब कितने लोग हैं जो बैठ के नंबर्स के ऊपर फोकस कर, वी जस्ट लिसन, हाँ यार ठीक है थोड़ा बढ़ गया है, ओके कोई इशू नहीं, ये बढ़ेगा क्योंकि खुल गया है सब तो थोड़ा बढ़ेगा, बट ठीक है लोग क्योर हो जाएंगे, क्योर का रेशो भी बढ़ रहा है। सो हमारा जो फोबिया था इसको लेके, अरे ये क्या होगा, अरे ये कैसे होगा, वो कम हो गया, वो फियर में कन्वर्ट हो गया। फियर रहना भी चाहिए क्योंकि फियर हमारी सेफ्टी डिवाइस है, हम प्रिकॉशंस लेंगे उसके लिए, राइट। तो सोशल मीडिया और जो मीडिया है पहले जो भी ये लोग बोलते थे तो हमें लगता था कि पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन आज की डेट में हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। ये स्पैन ऑफ टाइम चाहिए था हमें, माइंड को लगभग 45 दिन चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंट होने के लिए 45 डेज, तो हमारा लॉकडाउन उससे ज्यादा का है तो वी कवर्ड दैट। और जिन लोगों ने इसमें भी हाइपर टाइम बिताया हुआ डेफिनेटली वो आज स्ट्रेस में होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप देखिए आप डेंगू का मच्छर है, कोई भी नहीं चाहता मच्छर काटे बट हम रोक नहीं सकते, सारा दिन बाहर रहते हैं, कौन सा मच्छर कब काट गया कितना आप ध्यान रखते हैं, और उनमें से कौन सा डेंगू का है, कोई वैक्सीन नहीं है उसकी, बट स्टिल वी आर कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा कर लेंगे, मरते हैं लोग नो डाउट, आई एग्री विद यू, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं हाँ करूंगा, लेकिन कितने लोग जीते भी थे, तो हम जीने वालों को देखेंगे ना, डेंगू है कैंसर है नॉर्मल डिजीज है दुनिया को हो रहा है, बट क्या हम खाना पीना छोड़ देते हैं बाहर, तो हमने अडॉप्ट कर लिया फोबिया को, फियर में कर लिया, जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं, बाकी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया, इट्स कंट्रोलिंग दैट। सो इस वजह से वो लॉकडाउन चाहिए था, ये पॉइंट नंबर थर्ड हो गया साइकोलॉजिकली। नाउ द पॉइंट नंबर फोर विच इज रियली ए कॉज ऑफ दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकली रेडी करना है वो तो करना ही है, बट उसके लिए मेंटली जो प्रिपेयर होना है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझिए एक लड़की है उसको किसी ने देखने आना है, सडनली उस आदमी का फोन आता है उनके पेरेंट्स का कि हम यहां से जा रहे थे आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अगर आप फ्री हैं दरवाजा खोल दीजिए हम देखने आ रहे हैं, बस आप यकीन करिए आपका मेंटल स्टेटस क्या,
भाग रहे होंगे इधर, कोई कपड़े ठीक कर रहा होगा, अरे यार ये लोग कैसे हैं बिना बताए आगे। कोरोना भी हमें बिना बताए ही आया, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं। वी आर नॉट द लीडर इन मेडिकल, हम पहले टॉप 3 कंट्रीज में कहीं नहीं आते, टॉप 5 में भी नहीं आते, तो हमको लीडर तो है नहीं मेडिकल। हमें प्रैक्टिकली समझना चाहिए इस बात, तो हमें कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये कोविड का एरिया, ये नॉन कोविड का एरिया, इसमें कोविड पेशेंट होंगे या नॉर्मल जो पेशेंट है ओपीडी के वो होंगे, राइट। और उसके अलावा जैसे स्टेडियम्स हैं, होटल्स हैं, इनको तैयार करना, इनके ऊपर रेडी करना, इनका टाइम तो लगेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसलिए लॉकडाउन जरूरी था, विच इज मेंटल स्टेटस हमारे को काम डाउन करने के, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको मैरिज वाला, तो मेंटल स्टेटस को काम डाउन करने के लिए भी लॉकडाउन जरूरी था। और पांचवें पॉइंट पे आते हैं लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है, ये बात आप मानेंगे। अब उस लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप 2 साल पहले की बात करें कि आप 2 साल पहले किसी शॉप पे जाते हैं, वो कहते हैं अंदर तब आएंगे जब आप हाथ धो लेंगे। ईमानदारी से बताना कितने लोग वहां से सामान खरीदते, दिल पे हाथ रख के। मुझे लगता है 70% लोग वहीं से पलट जाते हैं। अरे हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते क्या? अजीब आदमी है, अजीब पागल है, हमें हाथ धोने को बोल रहा है, मैं घर से हाथ धो के आया हूं। और आज आप उस शॉप पे नहीं जाएंगे जो आपके हाथ नहीं धुलवाएगा, जो सैनिटाइज नहीं करेगा। अर्लियर हम समझते थे सैनिटाइजर क्या है, या ये स्वच्छता क्या है, ढकोसला है कुछ रिच एरियाज के, रिच पीपल्स का। सैनिटाइजर की क्या जरूरत है, कैरी नहीं करते थे, आज एवरीवन इज कैरिंग। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उसको चेंज करने के लिए, उसको अडॉप्शन के लिए माइंड को टाइम चाहिए। और टाइम कैसे लेगा, जब आप उसके किसी फोबिया या उसको कन्वर्ट करेंगे फियर में, और उसकी प्रिकॉशन ढूंढेंगे, प्रिकॉशन ढूंढेंगे, माइंड काम करेगा, काम करेगा तो आपको सोल्यूशन देगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर भी हम क्रिएटिविटी भी बनाएंगे इसमें। अब आप देखिए बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बोला सर आप क्लासेस कब शुरू कर रहे हो? मैंने कहा भैया थोड़ा सा कोविड का प्रेशर है, मैं भी अगले 5-7 दिनों में शुरू कर देंगे। उसने कहा सर मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैंने हर मैचिंग सूट के साथ अपने मास्क बनवा लिए। तो ये जो काले वाले मास्क हैं या हरे वाले, हम डॉक्टर्स के लिए बचे हैं, बाकियों के लिए नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, तो कितना अडॉप्ट कर लिया है। क्या आपको लगता है कि पहले आपको मास्क पहन के सड़क पे निकलना होता, एक शादी में जाना हो, कैसा फील कर, आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं था, लेकिन आज आप फील ही नहीं करेंगे, इट इज अ नॉर्मल लाइफस्टाइल हो गया है। और आपने उसमें क्रिएटिविटी भी बनानी शुरू कर दी है, जैसे मास्क है इट इज ए क्रिएटिविटी। तो हमने अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने के लिए अगेन 45 डेज, जो मैंने आपको बताया था, वो टाइम लेता है, माइंड अडॉप्ट करता है, तब ये रिएक्ट करता है। तो ये 5 मेजर पॉइंट है। इसके ऊपर कोई भी साइकोलॉजिकल एंगल हो तो आप प्लीज मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल, इट इज प्योर साइकोलॉजिकल वीडियो, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन करना जरूरी था। और लॉकडाउन पहले करना क्यों जरूरी था, कि अगर ये लॉकडाउन पहले नहीं किया जाता तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता। हमारा स्ट्रेस इस बात से नहीं होगा अब कि 2 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, नहीं, अब हम हैबिचुअल होते चले जाएंगे। हमें मालूम हो जाएगा कि हमें इसी के साथ फाइट करना है, हमें अर्निंग भी इसी के साथ करनी है, सब कुछ इसी के साथ जीना। लेकिन अगर शुरू में कोई आदमी हमें बोलता तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता, इसलिए लॉकडाउन जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो की आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।